सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग. सो कई बार इस टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं एंड इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आप उन न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. सो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है एंड ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. नाउ सपोज ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट कर रहा है इस साइड विथ एक्सेलरेशन ए एंड सपोज ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन विथ दिस वर्टिकल फाई है. सो लेट दिस एंगल बी फाई. सो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अगर हम बॉब पे फोर्सेस देखें तो एम जी नीचे लग रहा है एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम इस बॉब पे एक सीटो फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन होगा अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एंड मैग्नीट्यूड होगा एम ए. एंड ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा. सो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स यहां कहीं आएगा, लेट इट बी एफ नेट. सो एफ नेट का मैग्नीट्यूड आएगा रूट अंडर एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस टू एम जी एम ए कॉस फाई. एंड एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास. सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मास नेट एक्सेलरेशन आएगा ए नेट इक्वल्स टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू जी ए कॉस फाई. नाउ क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है टी इक्वल्स टू टू पाई रूट अंडर एल बाई ए नेट. सो अभी हम इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में यहां जी के जगह पे ए नेट ले रहे हैं. सो अगर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ये आएगा टी इक्वल्स टू टू पाई रूट अंडर एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू जी ए कॉस फाई. एंड यहां पे एक और रूट आएगा सो उसको हम लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ हाफ. सो ऐसे केसेस में दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला आया है टी इक्वल्स टू टू पाई एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू जी ए कॉस फाई टू द पावर ऑफ हाफ एंड ये पूरा रूट के अंडर है. ये फाइनल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कई सारे केसेस में. सो कुछ केसेस को देखते हैं. सो फर्स्ट केस है एक्सेलरेशन अप और रिटार्डेशन डाउन. सो जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है और उसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है एंड इफ दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए. सो इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है इस फाई का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि एंगल एक्सेलरेशन ए का वर्टिकल के साथ जीरो होगा. सो यहां फाई का वैल्यू जीरो है. सो अगर ये फाई का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आएगा टी इक्वल्स टू टू पाई रूट अंडर एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू
g a to the power of half. So ये आएगा t equals to 2 pi root under l by g plus a. क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा g plus a का होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ. सो ये हाफ एंड वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो ये बनेगा g plus a. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इन दिस केस. नाउ सेकेंड केस है एक्सलेशन डाउन और रिटार्डेशन अप. सो जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, इसमें एक सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है एंड इफ दिस लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सलेशन ए. सो इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस एक्सलेशन ए जो कि डाउनवर्ड है एंड वर्टिकल अपवर्ड के बीच में एंगल ये जो फाई होगा वो 180 डिग्री होगा. सो इन दिस केस फाई का वैल्यू 180 डिग्री आ रहा है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फाई इन दिस इक्वेशन, टाइम पीरियड आएगा इस केस में टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 जी ए कॉस 180 डिग्री टू द पावर ऑफ हाफ. एंड कॉस 180 डिग्री होता है माइनस 1. सो ये आएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 जी ए टू द पावर ऑफ हाफ. सो ये आएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ एक हाफ है पहले से. सो ये आएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी माइनस ए. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इस केस के लिए. थर्ड केस है पेंडुलम इज एक्सलरेटिंग हॉरिजॉन्टली. सो इस केस में मान लीजिए कि एक कार है जिसमें एक पेंडुलम हैंग कर रहा है एंड इफ द कार इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सलरेशन ए. सो इस केस में ये एक्सलरेशन जो कि इस साइड है इस वर्टिकल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा होगा 90 डिग्री. सो इस बार फाई का वैल्यू बनेगा 90 डिग्री. सो फाई कॉस 90 इन दिस केस. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फाई इन दिस इक्वेशन, टाइम पीरियड आएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 जी ए कॉस 90 टू द पावर ऑफ हाफ. फोर्थ केस में मान लीजिए कि एक कार है जो इंक्लाइन प्लेन पे है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल फाई है और इसमें एक पेंडुलम लगा हुआ है जो ऐसे हैंग कर रहा है. बट ड्यू टू ग्रेविटी ये कार इस साइड मूव कर रहा होगा विथ जी साइन थीटा. सो इस बॉब पे एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा. एंड स्यूडो फोर्स होगा मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सलरेशन ऑफ द फ्रेम. सो ये आएगा इस साइड एम इनटू जी साइन थीटा. एंड एंगल बिटवीन दिस टू आएगा क्योंकि ये 90 है एंड ये फाई है. सो द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस आएगा 90 प्लस फाई. सो इस केस में जो जी इफेक्टिव का रोल प्ले करेगा वो होगा जी इफेक्टिव इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस जी साइन फाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन फाई
into cos 90 plus phi, एंड ये भी हमारा phi था. सो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा g cos phi. एंड क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, बट यहाँ हम g की जगह पे g इफेक्टिव लेंगे. सो ये आएगा g cos phi. सो दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस. सो नेक्स्ट केस है पेंडुलम इज प्लेस्ड इन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेंडुलम है एंड इसका मास है m और इस पर हमने चार्ज रखा q. एंड सपोज यहाँ पे एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. सो इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो होगा एम जी ड्यू टू इट्स वेट प्लस ई क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स होगा एम जी प्लस ई क्यू. एंड हेंस इस केस में जो जी इफेक्टिव का रोल प्ले करेगा वो होगा जी इफेक्टिव इक्वल्स टू दिस डाउनवर्ड फोर्स बाय मास. सो एम जी प्लस ई क्यू बाय एम. सो ये आएगा जी प्लस ई क्यू बाय एम. एंड क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी इफेक्टिव. सो यहाँ होगा जी प्लस ई क्यू बाय एम. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन दिस केस. नेक्स्ट केस है पेंडुलम इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मान लीजिए कि ये एक सिंपल पेंडुलम है एंड इस बॉब का मास है m और इस पर चार्ज है q एंड यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E. सो इस केस में बॉब पे एक फोर्स लग रहा होगा इस साइड mg एंड एक होगा eq. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स होगा इस साइड eq. सो ड्यू टू दिस टू फोर्सेस इफेक्टिव फोर्स बनेगा रूट अंडर mg स्क्वायर प्लस eq का स्क्वायर. सो जी इफेक्टिव आएगा इफेक्टिव फोर्स बाय मास. सो अगर ये इफेक्टिव फोर्स का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ये आएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ई क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर. एंड क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इफेक्टिव. सो ये आएगा जी स्क्वायर प्लस ई क्यू बाई एम का स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ इस रूट की वजह से और ये पूरा रूट में है. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड इन दिस केस. सो ये सब कुछ केसेस थे एंड उनके फॉर्मूलेस थे जो इन टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा.